हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्का डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। दोस्तों, इस धरती पर महादेव के लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो आपने कहीं पे भी देखा नहीं होगा। मुरडेश्वर महादेव हिडिम्बा वन में आया हुआ ये मंदिर गोधरा से करीब 20 किलोमीटर दूर आया हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का यानी शिवलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये कौन से युगों का है। कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव आते थे और महादेव के दर्शन करते थे। दोस्तों, वहाँ पे मुरडेश्वर महादेव का मंदिर है। दोस्तों, हर साल महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का आकार एक चावल के दाने जितना बढ़ता रहता है। दोस्तों, और एक खास बात यह है कि हम अक्सर मंदिर में शिवलिंग के पीछे पार्वती माता को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्वती माता मंदिर के बाहर विराजमान है, ना के शिवलिंग के पीछे। तो चलिए अभी हम मंदिर के अंदर जाते हैं, मुरडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जाते हैं। आप शिवलिंग देखकर चौंक जाओगे आप। तो चलिए गर्भगृह में जाते हैं, तो आप दर्शन कर लीजिए मुरडेश्वर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी शिवलिंग है और यहाँ पे नीचे तक फैला हुआ है शिवलिंग, और ये प्राकृतिक शिवलिंग है। दोस्तों, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये शिवलिंग कब और कैसे प्रकट हुआ। कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पे स्वयं महादेव विराजमान हुए थे। देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, और ये युगों पहले का मंदिर है, युगों पहले का शिवलिंग है। ये कब का है पता नहीं, लेकिन बहुत ही युग पहले पुराना मंदिर है ये। इतना बड़ा है मुरडेश्वर महादेव कि कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा, पूरा हम शिवलिंग कैमरे फ्रेम में कैप्चर ही नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे खुद ब खुद पानी निकल रहा है और अभिषेक हो रहा है। ये शिवलिंग से इतना बड़ा नहीं है, ये देखिए, ये शिव ये शिवलिंग ही पता था मुझे। ये शिवलिंग यहाँ से और इतना बड़ा है, करीब 5 फुट लंबा शिवलिंग है, और ये हर साल चावल के दाने के आकार जितना बढ़ता रहता है ये। और ये कितना पुराना है, कौन से युग का है, किसी का भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे प्राकृतिक है स्वयंभू शिवलिंग। इतना विशाल शिवलिंग है, शिवलिंग का ही हिस्सा है। देखिए ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए लादे रखा है यहाँ पर। दोस्तों, शिवलिंग के ये चार हिस्से चार युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और आज के डेट में भी ये शिवलिंग हर साल बढ़ता रहता है, और ये एक नॉर्मल रॉक या मिट्टी से बना हुआ है, प्राकृतिक है। और आज भी श्रावण मंथ और महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत से भीड़ जमा रहती है, यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो शिवलिंग के अंदर जो खड्डा है वहाँ से
खुद ब खुद पानी निकल रहा है और अभिषेक हो रहा है। तो दोस्तों श्रावण का महीना आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोग भी इस शिवलिंग के दर्शन करें और लाभ उठाए। दोस्तों महादेव का आशीर्वाद लेकर हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।